बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले अशोक कुमार एक लैब असिस्टेंट हुआ करते थे बॉम्बे स्टॉकी के अंदर, जिसके बाद में 1936 में उनका लक सही चल गया और उनको फिल्म में रोल मिल गया अछूत कन्या के अंदर। आज कुछ बॉलीवुड के इफेक्ट जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। सुशांत सिंह राजपूत ने करीबन 11 एंट्रेंस एग्जाम दिए थे इंजीनियरिंग के लिए और वो सारे ही क्लियर किए थे, जिसके बाद में इंजीनियरिंग का कोर्स करते करते ही उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था जब 3 साल हो गए थे। उसके बाद में उन्होंने एक्टिंग में अपना कैरियर बनाने का तय किया था। और कहा यह भी जाता है कि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के अंदर उनकी रैंक करीबन 7 आई थी 2003 में। सुनील दत्त एक ऐसे एक्टर थे जो हीरो से भी बढ़कर थे। उन्होंने कई सारे अलग अलग टाइप के रोल किए हैं अपने पूरे करियर में, लेकिन उन्होंने करीबन 20 बार डाकू का रोल किया है अपने पूरे करियर में। वहीदा रहमान एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अमिताभ बच्चन के लवर का भी रोल किया था और उनकी मदर का भी रोल किया था। 1976 में आई मूवी अदालत के अंदर वो बनी थी उनकी लवर और 1978 में आई मूवी त्रिशूल के अंदर वो बनी थी उनकी मदर। 1973 में एक सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम था बॉबी, जिसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था राज कपूर साहब ने, जिसके अंदर लीड रोल में थे ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया। उस वक्त में डिंपल कपाड़िया की सिर्फ उम्र थी 16 साल, जिस उम्र में उन्होंने शादी कर ली थी उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना से। जी हां, 1973 में उन्होंने शादी कर ली थी और 1 साल बाद उनको एक लड़की हुई थी जिसका नाम रखा गया था ट्विंकल खन्ना। और इसके बाद में उन्होंने बॉलीवुड से काफी लंबा गैप ले लिया, जबकि उनकी बॉबी फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी। उनको कई फिल्मों के ऑफर आ रहे थे लेकिन उन्होंने सभी ऑफरों को ठुकरा दिया था अपने बच्चों की परवरिश के लिए, जिसके बाद में 1984 में उन्होंने दोबारा से कमबैक किया था जख्मी शेर मूवी के साथ में। 1960 में आई सुपरहिट मूवी मुगले आजम को 3 लैंग्वेज में शूट किया गया था, हिंदी, इंग्लिश और तमिल। मतलब हर शॉट के बाद में अलग अलग लैंग्वेज के शॉट लिए जाते थे, पहले हिंदी का ले लिया, फिर तमिल का ले लिया, फिर इंग्लिश का ले लिया। तो इस तरीके से इस मूवी को रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बाद में जब तमिल की मूवी को एडिट करके रिलीज किया गया तो वो फ्लॉप हो गई, जिसके बाद में इंग्लिश की मूवी को एडिट ही नहीं किया गया और उसे वहीं पर रोक दिया गया और डायरेक्ट हिंदी की मूवी को एडिट करके रिलीज किया गया, जिसके बाद में वो एक सुपरहिट मूवी निकली। 1978 में आई मूवी सत्यम शिवम सुंदरम के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे राज कपूर साहब, जिसको बनाते वक्त में वो इतने ज्यादा सुपरस्टिशियस बन गए थे कि उन्होंने ना ही नॉनवेज खाया और ना ही अल्कोहल वगैरह लिया। आमिर खान ने एक बार बताया था कि उन्हें कभी खुशी कभी गम पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने जब वो प्रीव्यू देख रहे थे करण जौहर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, काजोल और कई बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में जो भी उस फिल्म की स्टार कास्ट थी उसके साथ में, वो बीच में से ही उठकर चले गए थे बिना किसी को बताए, जिसके बाद में उन्होंने किसी से भी अपोलोजाइज नहीं किया था। लेकिन जब करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर वो पहुंचे थे तो उन्होंने इस बात को रियलाइज किया था और उनसे माफी मांगी थी। अमिताभ बच्चन एक बहुत ही अच्छे एक्टर भी हैं और इसी के साथ साथ वो अपने दोनों ही हाथों से बहुत अच्छा लिख सकते हैं, जिसकी वजह से वो होते हैं एक एम्बिडेक्सरस, जो कि उनको कहा जाता है जो दोनों ही हाथों से बहुत बढ़िया लिख देते हैं। करीना कपूर पहले एक लॉयर बनना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने मुंबई बेस्ड एक कॉलेज में एडमिशन भी लिया था और पढ़ाई भी की थी, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाई, जिसके बाद में वो बन गई एक एक्ट्रेस। इसी के साथ साथ जब करीना कपूर 10 साल की थी तब उन्होंने अपने हस्बैंड सैफ अली खान की मैरिज अटेंड करी थी 1991 में, जब उनकी मैरिज हो रही थी अमृता सिंह के साथ में। बॉलीवुड की सबसे लंबी मूवी है एक मल्टी स्टारर मूवी LOC कारगिल, जो करीबन 4 घंटे 25 मिनट की, और सबसे शॉर्ट मूवी है 87 मिनट की, जिसका नाम था आई एम कलाम। ऋतिक रोशन ने एक बार 50 बुक्स खरीदी थी जिसके टाइटल थे हाउ टू स्टॉप स्मोकिंग, और वो अपने दोस्तों को गिफ्ट कर दी थी जो भी सुट्टेबाजी की आदत में लगे हुए थे। तो फिलहाल के लिए बॉलीवुड के यही कुछ फैक्ट्स है इस वीडियो के लिए और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।